हमारे पास बहुत से तरीके आते हैं iPhone 12 और 13 सीरीज को ऑन एंड ऑफ करने के, बट इट कैन बी कंफ्यूजिंग क्योंकि कुछ तरीके जो है वो फोन को रीस्टार्ट करेंगे, कुछ फोर्स रीस्टार्ट करेंगे, कुछ शट डाउन करेंगे और कुछ पावर ऑन करेंगे। अगर आप एप्पल स्मार्टफोन को बहुत देर से इस्तेमाल करें तो चांसेस हैं कि आपको पता होगा कि आपको अपना फोन कैसे पावर ऑन करना है, कैसे शट डाउन करना और कैसे रीस्टार्ट करना है जिसका होम बटन नहीं है। लेकिन इफ यू आर न्यू टू एप्पल इकोसिस्टम और आप ये सोच रहे हैं कि साइड बटन को लॉन्ग प्रेस करके अपने आईफोन को शट डाउन कर देंगे, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इससे सिर्फ और सिर्फ सिरी एक्टिवेट होगी, आपका फोन शट डाउन नहीं होगा। तो हम आपके लिए 8 डिफरेंट वेज लेके आए हैं कि कैसे आप अपने आईफोन को शट डाउन, पावर ऑन, रीस्टार्ट और फोर्स रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे और इंटरेस्टिंग तरीकों को देखने के लिए बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना। तो आई थिंक वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास तरीका आ जाता है शटिंग डाउन यूजिंग योर आईफोन बटन। तो जब आप अपने आईफोन को बटन्स के साथ शट डाउन करने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर दो सब तरीके हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है इमरजेंसी SOS एंड मेडिकल आईडी के साथ एंड विदाउट इमरजेंसी SOS एंड मेडिकल आईडी के साथ। तो सबसे पहले आपको करके दिखाने वाला हूं विदाउट इमरजेंसी SOS एंड मेडिकल आईडी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तुम्हारा वॉल्यूम अप बटन, फिर वॉल्यूम डाउन बटन और फौरन पावर बटन को प्रेस कर देना एंड यू विल इंस्टेंटली सी के स्लाइड टू पावर ऑफ आपके सामने आ जाएगा। कोई इमरजेंसी SOS या मेडिकल आईडी नहीं आ रही और आप इसको सिंपली स्लाइड राइट करके इसको पावर ऑफ कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका यहां पे मैं आपको बताता चलूं जो कि है इमरजेंसी SOS एंड मेडिकल आईडी के साथ। उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली आपने कोई भी अप या डाउन वॉल्यूम बटन को प्रेस करना है, साथ ही उसके आपने साइमल्टेनियसली पावर बटन को प्रेस कर देना है और थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी मेडिकल आईडी इमरजेंसी SOS। तो सिंपली आप यहां पे इसको राइट स्वाइप करेंगे तो आपका आईफोन 30 सेकंड के अंदर बंद होने वाला है। तो दूसरा तरीका हमारे पास यहां पे आ जाता है शट डाउन यूजिंग योर आईफोन सेटिंग्स ऐप। तो अगर आप अपना आईफोन बटन्स के थ्रू बंद नहीं करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि अपनी सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आपने जनरल में जाना है और लास्ट पे आपको नजर आएगा शट डाउन। जब शट डाउन नजर आ जाएगा सिंपली आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी स्लाइड टू पावर ऑफ। जब स्लाइड कर देंगे 30 सेकंड के बाद आपका आईफोन बंद होने वाला है। तो जैसा कि हमने देखा पिछले दो तरीकों में कि हमने आईफोन को कैसे शट डाउन करना है, अब हमारा आईफोन शट डाउन हो गया तो उसको ऑन करने के लिए भी कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास मैनुअल तरीका है जो कि पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके ऑन होगा, कैसे मैं आपको बताता हूं। तो सिंपली आपने साइड पावर बटन को 5-6 सेकंड के लिए होल्ड करना है और आपका आईफोन जो है वो ऑन होने वाला है। तो देखा कैसे हमने सिंपली जो है वो पावर बटन के थ्रू अपना आईफोन ऑन कर लिया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट तरीके की तरफ। तो चौथा हमारे पास तरीका आ जाता पावर ऑन यूजिंग योर लाइटनिंग केबल। तो अगर आप अपने आईफोन को बटन के थ्रू जो है मैनुअली ऑन नहीं करना चाह रहे तो दूसरा तरीका हमारे पास ये आता है कि पावर ऑन यूजिंग योर लाइटनिंग केबल। आपने सिंपली अपनी लाइटनिंग केबल किसी अडैप्टर के साथ, किसी पावर बैंक के साथ या किसी कंप्यूटर के साथ अटैच करके अपने आईफोन के अंदर लगानी है तो आपका आईफोन ऑन होने वाला है। तो यहां पर हम अपना आईफोन आपको अपने लैपटॉप के साथ वायर कनेक्ट करके ऑन करके दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारा आईफोन जो है वो ऑफ है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है इससे अपनी लाइटनिंग केबल कनेक्ट करेंगे तो साथ ही हमारा आईफोन ऑन हो गया। तो देखा कैसे हमने आपको 3-4 सेकंड के अंदर लाइटनिंग केबल लगा के अपने आईफोन को ऑन करके दिखा दिया। तो पांचवा तरीका हमारे पास यहां पे आया था पावर ऑन यूजिंग योर वायरलेस चार्जर। तरीका भी हमारे पास बहुत ही सिंपल आ जाता है। जैसा कि आपने पिछले तरीके में देखा हमने अपनी लाइटनिंग केबल के थ्रू अपने आईफोन को ऑन किया तो ये तरीका बिल्कुल सेम है। सिंपली आपने अपने आईफोन को वायरलेस चार्जर के ऊपर रखना है और चार्जर पीछे से करंटली एक्टिव होगा तो आपका आईफोन फौरन से पहले 2-3 सेकंड के अंदर ऑन होने वाला है। तो छठा तरीका हमारे पास आ जाता है जी फोर्स रीस्टार्ट यूजिंग योर आईफोन बटन। अगर आपका आईफोन हैंग हो गया,
फ्रोजन हो गया या एक्ट बगी कर रहा है और ऊपर वाले किसी भी तरीके से जो वो शट डाउन नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या करना है, आपको फोर्स रिस्टार्ट करना है। इसको हम हार्ड रीसेट भी कहते हैं। इससे आपकी कोई भी चीज अरेज नहीं होने वाली, कुछ भी वाइप नहीं होने वाला, बस आपका आईफोन जो है फोर्स रिस्टार्ट होने वाला है। तो सिंपली आपने वॉल्यूम अप बटन प्रेस करना है फौरन डाउन, और साथ ही आपने पावर बटन को होल्ड कर लेना जब तक कि आपको एप्पल का लोगो यहां पे नजर नहीं आ जाता। इट विल टेक 15 to 20 seconds। तो देखा आपने कैसे हमने अपने आईफोन को फोर्स रीस्टार्ट या हार्ड रीसेट कर दिया जबकि हमारा आईफोन जो है हैंग हो गया था और बंद नहीं हो पा रहा था। तो सातवां हमारे पास तरीका आया था रीस्टार्ट योर आईफोन विद असिस्टिव टच। फोर्स रीस्टार्ट इज द ओनली ऑप्शन अगर आपका आईफोन हैंग हो गया है, फ्रीज हो गया है और आप रीस्टार्ट और इसको रीबूट करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा क्योंकि फोर्स रीस्टार्ट जो है वो एब्रप्टली जो है उसकी पावर कट ऑफ कर देता है और आईफोन को उसके स्टैंडर्ड जो शट डाउन प्रोसीजर है उसके थ्रू वो शट डाउन नहीं होने देता, तो ये थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। तो बेटर वे टू रीस्टार्ट योर आईफोन इज विद असिस्टिव टच। तो उसका तरीका क्या क्या हो सकता है कि आपने सिंपली जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आपने जाना है जी एक्सेसिबिलिटी में, और एक्सेसिबिलिटी में जाके आपने टच पे जाना है, टच में आपने असिस्टिव टच को डोंगल ऑन कर लेना है। जब इसको डोंगल ऑन कर लेंगे तो आप देखेंगे होम स्क्रीन के अंदर ये एक सर्कल नुमा शेप जो है वो अपीयर हो जाएगी। जब इस पर टैप करेंगे यू विल सी बंच ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर। यहाँ पे आप डिवाइस पे टैप करेंगे और मोड में जाएंगे तो यू विल सी रीस्टार्ट। तो यहां से जाके आप सिंपली अपने आईफोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, विच इज अ बेटर वे देन फोर्स रीस्टार्ट या हार्ड रीसेट। हमारे पास तरीका आया था रीस्टार्ट योर आईफोन विद योर वॉइस कंट्रोल। तो अगर आप बहुत ही लेजी हैं और आप अपना आईफोन अपना हाथ लगाए बगैर बंद करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली ये पॉसिबल है, मैं बता रहा हूं आपको। ये सबसे मजेदार मुझे तरीका अब तक का लगा कि आपने वॉइस कंट्रोल के थ्रू अपने आईफोन को हाथ लगाए बगैर बंद कर सकते हैं। सिंपली आप वॉइस कमांड के थ्रू अपने आईफोन को बंद कर सकते हैं, और टू बी वेरी क्लियर ये सीरी नहीं है, सीरी के थ्रू आप अपने आईफोन को शट डाउन नहीं कर सकते। फिर करना क्या, आपने जाना सिंपली सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में आपने जाना है एक्सेसिबिलिटी में, एक्सेसिबिलिटी में यू हैव टू फाइंड आउट वॉइस कंट्रोल। वॉइस कंट्रोल में जाकर आपने डोंगल ऑन कर लेना वॉइस कंट्रोल। जैसे ही आप वॉइस कंट्रोल को ऑन करेंगे यू विल सी लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर आपका एक माइक्रोफोन छोटा सा आइकन जो है अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि योर आईफोन इज लिसनिंग एंड रेडी टू रिसीव कमांड। तो आपको सिंपली जो है वो कमांड करनी है कि भाई रीबूट डिवाइस, एंड यू विल इंस्टेंटली सी कि आर यू श्योर यू वांट टू रीस्टार्ट योर आईफोन। तो जब हम रीस्टार्ट का यहां पे बटन क्लिक करेंगे तो ये रीस्टार्ट कर देगा। तो ये थे हमारे पास 8 डिफरेंट तरीका जिससे आप अपना आईफोन शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, फोर्स रीस्टार्ट कर सकते हैं और पावर ऑन कर सकते हैं। आई एम श्योर ये तरीके आपको नहीं पता थे। अगर तो आप नए एप्पल यूजर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा मुफीद थी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना, और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि ऐसी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बहुत जरूरी है उसको दबाना। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।